एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सोनम था। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और इसके लिए उसे कई मेडल भी मिले, किंतु उसकी पढ़ाई से ज़्यादा रुचि क्रिकेट में थी और वह बड़ी होकर क्रिकेटर बनना चाहती थी। सोनम के पिता डॉक्टर थे और माँ गृहिणी थी। सोनम के पिता चाहते थे कि सोनम बड़ी होकर डॉक्टर बने, किंतु सोनम ये नहीं चाहती थी। वो हमेशा अपने पापा से ज़िद किया करती थी कि वे उसे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दें, लेकिन उसके पिता ये जानते थे कि यदि उन्होंने उसे क्रिकेट खेलने की अनुमति दे दी तो वो पढ़ाई नहीं करेगी। वे हमेशा से सोनम से कहते रहते कि यह लड़कियों का खेल नहीं है, इसलिए तुम ये नहीं खेल सकती। इस वजह से सोनम अपने पिता से हमेशा नाराज़ रहती थी, किंतु सोनम की माँ ने सोनम को हमेशा सपोर्ट किया। वे अक्सर सोनम को छुप कर खेलने जाने के लिए अनुमति दे दिया करती थी और सोनम के पिता से झूठ बोल देती थी कि वो पढ़ाई कर रही है। ऐसा ही चलता रहा और वह कुछ समय बाद क्रिकेट के खेल में माहिर हो गई और पढ़ाई में होशियार होने की वजह से उसने स्कूल की पढ़ाई भी अच्छे अंकों से पूरी कर ली, जिससे उसके पिता को भी उसके क्रिकेट खेलने के बारे में कुछ नहीं पता चला। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके पिता ने उसे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाहर पढ़ने भेज दिया। सोनम कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर चली गई, किंतु उसका इसमें मन नहीं लगता था क्योंकि उसे चारों ओर क्रिकेट ही क्रिकेट दिखाई देता था। फिर एक बार उसकी माँ ने उसे कहा कि वह यह सब छोड़ दे और क्रिकेट खेलना शुरू कर दे, और उसने अपने पिता को बिना बताए अपनी माँ की बात मानते हुए क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। इसके लिए उसकी माँ ने उसका पूरा सपोर्ट भी किया। क्रिकेट खेलते खेलते सोनम ने एक के बाद एक कई ट्रॉफी जीती। फिर एक बार एक खेल में वो बहुत ही गंभीर तरह से घायल हो गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सोनम की माँ को सोनम के पिता से सब कुछ बताना पड़ा और सोनम के पिता ये सब जानकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए और सोनम के पास जाकर उससे कहने लगे, तुमने ये ठीक नहीं किया, मैंने कहा था ये लड़कियों का खेल नहीं है और तुम मुझे बिना बताए क्रिकेट खेलने लगी। ऐसा कहकर वो सोनम से बहुत नाराज़ होकर वहाँ से चले गए। डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि सोनम अब कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएगी। सोनम ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और उसने सोचा ऐसा करके उसे अपने पिता का दिल दुखाया है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच का हिस्सा भी नहीं बन सकी जो कि उसका सपना था, किंतु उसके दिमाग में अपने पिता की एक बात बार बार घूम रही थी, क्रिकेट लड़कियों का खेल नहीं है, और वह किसी भी हालत में अपने पिता की इस बात को गलत साबित करना चाहती थी। सोनम कुछ दिनों तक ऐसे ही पड़ी रही, तब उसकी माँ ने उसे कहा कि यदि तुम्हें अपने पिता को गलत साबित करना है तो मैं तुम्हें उठना होगा और कुछ कर दिखाना होगा। तब उसने हिम्मत करते हुए अपने शरीर में लगी सारी पट्टियाँ हटा दी और उठ खड़ी हुई। रोज़ प्रयास करते हुए कुछ महीनों बाद वो चलने भी लगी। इस तरह प्रयास करते करते वो बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उसने फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में सोनम खेल में हर बार हारती रही, किंतु उसने अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दिया और वो कोशिश करती रही। कोशिश करते करते उसने धीरे धीरे सफलता की ओर कदम बढ़ा लिया और वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी क्रिकेटर बन गई। और उसने अपने पिता की यह बात गलत साबित कर दी कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। अपनी बेटी की यह कामयाबी देखकर उसके पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। और साथ ही सोनम के क्रिकेटर बनने के बाद उन्होंने सोनम को लड़कियों की क्रिकेट टीम का कोच बनने के लिए प्रोत्साहित किया और कुछ समय बाद सोनम लड़कियों की क्रिकेट टीम की कोच बन गई। इस तरह सोनम ने अपने हौसलों की रान को कभी नाकामयाब नहीं होने दिया और साथ ही इस वाक्य को सही साबित कर दिया। इस कहानी की शिक्षा ये है, जिस तरह सोनम ने अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दिया एवं कोशिश करते हुए हर मुश्किलों का सामना कर आगे बढ़ती रही और कामयाबी की उड़ान भरती रही, उसी तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि हौसलों की उड़ान कभी नाकामयाब नहीं होती। कोशिश करते रहने से एक ना एक दिन हमें कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। इस कहानी से उन लोगों को भी शिक्षा मिलती है जो सोनम के पिता की तरह सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती और ऐसे खेल लड़कियों के लिए नहीं बने हैं।